दुनिया में जितने मजाहिब इस वक्त पाए जाते हैं, उन मजाहिब के जितनी बड़ी शख्सियात हैं, उन शख्सियात की जिंदगी में यकीनन खूबियां रही हैं, मगर किसी शख्सियत ने यह ऐलान नहीं किया कि पूरे संसार के लिए हम अवतार बन करके आए। किसी शख्सियत ने यह ऐलान नहीं किया कि हम जगत गुरु और किल्की अवतार हैं। किसी शख्सियत ने ऐलान नहीं किया कि दुनिया के तमाम इंसानों के लिए अगर रोल मॉडल बन सकता है वो मैं हूं। किसी ने यह ऐलान नहीं किया। जिन जिन मजहबों की जिन जिन शख्सियात का नाम हमने कभी सुना होगा, जिन जिन शख्सियतों का नाम हमने कभी पढ़ा होगा, उनमें से किसी शख्स ने, किसी मजहब के किसी बड़े इंसान ने यह ऐलान हरगिज नहीं किया। और ये सारा तारीख का रिकॉर्ड मौजूद है। यह ऐलान सिर्फ एक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, करवाया गया, और अल्लाह ने खुद भी ऐलान किया। क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह दुनिया के तमाम इंसानों के लिए नबी बन करके आए थे, इसलिए बाकी तमाम मजहब के जिम्मेदारों ने भी इनका ऐलान किया। और यह बात जब हम पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमारे ईमान में इजाफा होता है, और होना भी चाहिए, कि जब हम ईसाइयों की किताबों में देखेंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह का पूरा तज़किरा मौजूद है, जब हम यहूदियों की किताबों में देखेंगे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का तज़किरा मौजूद है। यहां बर सग़ीर में सबसे ज्यादा जिस मजहब के मानने वाले पाए जाते हैं उस मजहब को कहते हैं हिंदू धर्म। इस हिंदू धर्म की जो बड़ी बड़ी किताबें हैं, जिनका तफसीली मुताला तो हमने नहीं किया क्योंकि वह हमारा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन जितना हमने पढ़ा या सीखा या जितना हमने थोड़ा सा रिसर्च किया, तो उनकी बड़ी बड़ी अहम किताबें मानी जाती हैं वेद और कुरान। वेदों के अंदर भी मोहम्मद रसूलुल्लाह का तस्करा मौजूद है, और कुरानों के अंदर भी मोहम्मद रसूलुल्लाह का तस्करा मौजूद है, नाम के साथ भी मौजूद है, और वो तमाम चीजें बयान की गई हैं जो चीजें सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात में पाई जाती हैं और किसी के अंदर नहीं। जाहिर है मुझे यहां वेदों का तारुफ नहीं कराना है, लेकिन बात समझने के लिए कहा जाता है कि वेदें आमतौर पर कही जाती चार हैं, अथर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद। उनमें से अथर्वेद के अंदर बाकायदा पूरा चैप्टर लगा हुआ है जिसमें तकरीबन 14 श्लोक या जिनको हम कहेंगे आयतें हैं, उनमें हर आयत मोहम्मद रसूलुल्लाह पर फिट होती है। उसमें वह लफ्ज इस्तेमाल करते हैं नाराशंस आएगा, और नाराशंस की ठीक वही मीनिंग है जो मोहम्मद की मीनिंग आती है। मोहम्मद की मीनिंग जिसकी तारीफ हर इंसान करे, इसके माना क्या है, जो शख्स भी आपकी लाइफ को पढ़ेगा, आपके बचपन से लेकर के दुनिया से वापस जाने तक आपकी जिंदगी जो पढ़ेगा, वो मजबूर होगा कहने के लिए कि साहब इससे बेहतर तो हो ही नहीं सकता। शौहर इससे बेहतर पाया ही नहीं जा सकता दुनिया में, हुक्मरान इससे ज्यादा बेहतर पाया ही नहीं जा सकता, इंसानों के साथ रहम का मामला करने वाला इससे बेहतर कोई और हो ही नहीं सकता। यानी जिस पहलू से भी इंसान पढ़ेगा तारीफ करने पर मजबूर हो जाएगा। इसी ये जो कैफियत, इस कैफियत को कहते हैं मोहम्मद। मोहम्मद के माने वो जात जिसके बारे में हर शख्स मजबूर होगा तारीफ करने के लिए, क्योंकि वहां कोई ऐसा पॉइंट नजर ही नहीं आएगा जिसको आप कहेंगे साहब ये लूज पॉइंट है या ये कमी रही है, ये नहीं होना चाहिए था इनके जात के अंदर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाहे मोहम्मद रसूलुल्लाह बहैसियत जवान, चाहे मोहम्मद रसूलुल्लाह बहैसियत शौहर, चाहे मोहम्मद रसूलुल्लाह बहैसियत बिजनेसमैन, चाहे मोहम्मद रसूलुल्लाह बहैसियत एम्प्लॉय, चाहे मोहम्मद रसूलुल्लाह बहैसियत हुक्मरान, चाहे मोहम्मद रसूलुल्लाह जंगी सिपहसालार, जिस मैदान में भी जिस चैप्टर में भी मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात को देखेंगे वहां वो बेनजीर हैं। ऐसा बेनजीर कि उनके पल्ले का उनके हम पल्ला और हम दर्जा कोई हो ही नहीं सकता। तो मोहम्मद के माना वही हैं, और यही लफ्ज नाराशंस का भी के माना वही है। बल्कि बहुत ताज्जुब होता है कि जब हम कुरानों में पढ़ते हैं क्या कि वो किल्की अवतार जिसकी मां का नाम सोमती, जिसके बाप का नाम विष्णुवेश, और सोमती के माना आमना और विष्णुवेश के माने अब्दुल्ला, ये संस्कृत के माहिरीन खुद कहते हैं कि यहां तक लिखा हुआ है कि वो किल्की अवतार आएगा मगर उसका बाप पहले मर चुका होगा और उसकी मां कुछ ही अरसे के बाद वफात पा जाएगी। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात थी कि आपने अपने वालिद को देखा भी नहीं और आपकी वालदा आपके हिसाब से 6 साल की उम्र तक रही और उसके बाद। यहां तक लिखा हुआ है कि वो किल्की अवतार जिसकी शादी उसका चचा करेगा और 3 भाई इसका इंतजाम करेंगे। तारीख यही बताती है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चूंकि वालिद भी नहीं थे, वालदा भी नहीं थी, कोई भाई भी नहीं था, आप 25 साल की उम्र के जब हो गए, अब आपके निकाह का मसला था, तो आपके चाचा हजरत अबू तालिब ने आपके निकाह का फैसला किया, सिलेक्शन किया, रिश्ता करवाया, और आपके 2 चचेरे भाइयों ने, एक का नाम था जाफर, एक का नाम था अकील, एक का नाम था तालिब, इन 3 ने इसका इंतजाम किया। और ये बात आपकी किताबों में लिखी हुई है, जो हजारों साल पुरानी किताबें हो सकती हैं उनमें ये बात आई है, और वाकई यही हुआ। बल्कि यह भी लिखा हुआ है कि वो किल के अवतार जिसको एक घोड़ा सवारी के लिए दिया जाएगा जो बिजली की तरह तेज दौड़ेगा और वो जमीनों और सातों आसमानों की सैर करके वापस आएगा, ये तो महराज का वाक्य है।
ये भी लिखा हुआ है कि वो किल के अवतार पत्थरों की जमीन में पैदा होगा, खजूरों की जमीन में चला जाएगा। ये भी लिखा हुआ कि उसकी सवारी ऊंटनी की सवारी होगी, और हम सब जानते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की सवारी ऊंटनी की सवारी थी। आपने घोड़े की सवारी भी की है, लेकिन ऊंटनी की सवारी जितनी शोहरत आफाक है कि आपने कितने सफर उसी ऊंटनी पर किए, मक्का से मदीना, मदीना से मक्का, हज का सफर, कुसवा नाम उसका, और उस कुसवा ऊंटनी का तो अजीब वाकया हुआ है कि जब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुखसत हो गए तो उस ऊंटनी ने घास खाना छोड़ दिया था, उसने फिर घास नहीं खाया और मुसलसल रोती रही, आंसू गिरते रहे यहाँ तक कि आंखों की लाइट चली गई, और उसके सामने जब घास डाला जाता था तो फेंक देती थी। यानी गोया उस ऊंटनी ने भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम की जुदाई महसूस की। तो आपकी किताबों में लिखा हुआ पुराणों के अंदर कि उसकी सवारी ऊंटनी की सवारी होगी, और ऊंटनी की सवारी से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी थी, और मुस्तकिल ऊंटनी किसी की सवारी नहीं बन सकी है। उन पुराणों में और भी अजीब सी बातें लिखी हुई हैं, जाहिर है वो लंबा चैप्टर हम यहां बयान नहीं कर सकते, ना जरूरत उसकी है। मैं शॉर्ट में जो कहना चाहता हूं वो ये कि जितनी मजहबी किताबें हैं और बड़े बड़े मजहबों के पास जितने मुकद्दस उनके सहीफे हैं, उन तमाम सहीफों में मोहम्मद रसूलुल्लाह का तस्करा मौजूद है, नाम के साथ, कैरेक्टर के साथ, आपके कारनामों के साथ। जो जो आपने किया वो पहले ही उनकी किताबों में बताया गया, वो ये भी करेंगे, वो ये भी करेंगे और ये भी करेंगे। यहां तक भी लिखा हुआ है कि पूरे संसार में उनका डंगा बजेगा, और ये भी लिखा हुआ है कि जो उसको मानेगा वो स्वर्ग में जाएगा और जो नहीं मानेगा वो नर्क में जाएगा। ये तमाम चीजें लिखी हुई हैं। इसके बाद कैसे कोई इंसान शक कर सकता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह नबी थे भी या नहीं? तौरात में तस्करा मौजूद, इंजील में तस्करा मौजूद, वेदों में तस्करा मौजूद, पुराणों में तस्करा मौजूद, और इसके अलावा आसार कदीमा का चैप्टर बिल्कुल अलग है, वो इस वक्त मैं बयान नहीं कर सकता कि आसार कदीमा से कैसे पता चलता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात अक़दस दुनिया में कैसे आएगी और